तो उसी में एक थर्ड मेडिसिन है एस्ट्रामोनियम। एस्ट्रामोनियम बहुत कम प्रिस्क्राइब होती है, बच्चों में ज्यादातर दी जाती है, बड़ों में थोड़ा सा पकड़ना कठिन होता है, लेकिन बच्चों में मिल जाते हैं एस्ट्रामोनियम। तो एस्ट्रामोनियम भी डिलीरियम की मेडिसिन है, ठीक है। एस्ट्रामोनियम को पकड़ने के लिए कुछ चीजें हैं, बहुत आसान तरीके से पकड़ा जाती है। जैसे कि इसकी जो सबसे खास बात है वो है लाइट डिजायर, ठीक है। एस्ट्रामोनियम के बच्चों को या पेशेंट को अंधेरा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, फियर ऑफ डार्क, ये पूरे मेडिसिन का कोर है, ठीक है। ऐसे बच्चे जिनको लाइट बंद करते ही उठ जाते हैं और उठ के चिल्लाने लगते हैं, या ऐसे बच्चे जो सोए रहते हैं और एक आंख खोल के देखते हैं लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है, लाइट जल रही है तो ठीक हो के फाइन फिर सो जाते हैं, लेकिन अगर लाइट बंद मिला तो एकदम से वो डर जाते हैं। अभी मैं इसके पीछे की वो बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। लेकिन लाइट डिजायर बिल्कुल होना ही होना चाहिए एस्ट्रामोनियम के पेशेंट में। तो फियर ऑफ डार्क, इनको अंधेरा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है किसी भी तरीके का। किसी भी तरीके का मतलब ये हो गया कि अगर कमरे में है और वो कमरे में लाइट नहीं जल रही है तो एस्ट्रामोनियम पेशेंट भाग जाएगा वहां से। टनल में जा रहे हैं, गुफा में जा रहे हैं, अचानक से अंधेरा हो गया, ट्रेन जा रही है, गुफा में पहुंच गई, एस्ट्रामोनियम का बच्चा एकदम से चौंक जाएगा, चिल्लाने लगेगा। ऐसे जगह पे जहां पे अंधेरा, वहां एस्ट्रामोनियम बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो एस्ट्रामोनियम में सबसे प्रोमिनेंट चीज है वो फियर ऑफ डार्क है, और इस डार्क के पीछे कहीं ना कहीं उसको इमेजिनरी चीजें जैसे कि घोस्ट, ठीक है, ब्लैक डॉग्स, काले कुत्तों से बहुत डरता है, स्पेशली एनिमल्स से तो डर है ही है, लेकिन उसमें से ब्लैक डॉग्स, ये इतना ज्यादा डर अपने आप को, मतलब अपने अंदर इतना ज्यादा डर को बैठा लेता है, किसको लगता है कि मेरे आमने सामने हर जगह घोष्ट है या हर जगह जो है कुत्ते हैं। एक रूब्रिक है कि ऐसा लगता है कि कुत्ता उसके चेस्ट पे अटैक कर देगा, डिल्यूजन बाइटिंग डॉग चेस्ट ऑन, ऐसे करके है। एक ही मेडिसिन है एस्ट्रामोनियम, उसको डिल्यूजन है कि कुत्ता है अभी मेरे चेस्ट पे अटैक कर देगा, उसको अभी करे या ना करे वो ये सोच के जो है ना टेरिफाइड हो जाता है, डर जाता है और चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, और जो उसके आसपास होगा उसको एकदम क्लिंगिंग कर लेगा, उसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो फियर ऑफ घोस्ट, फियर ऑफ डार, फियर ऑफ डॉग, और कुछ हद तक नॉट ए मार्क मेडिसिन लेकिन फियर ऑफ वाटर भी है इसको, पानी से भी डर लगता है इसको। लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा मिलना चाहिए वो है डार्क। अगर फियर ऑफ डार्क नहीं है, कोई अच्छा बच्चा है, आपको लग रहा है कि एस्ट्रामोनियम है, अगर फियर ऑफ डार्क नहीं है तो मान के जाइए 90% वो एस्ट्रामोनियम नहीं है। 10% पेशेंटों में फियर ऑफ मतलब अंधेरा पसंद है एस्ट्रामोनियम में, हम बताएंगे आगे, वो बड़ों में ज्यादातर मिलता है, रूब्रिक्स में भी है एस्ट्रामोनियम थर्ड ग्रेड में पड़ी हुई। लेकिन अभी आप समझने के लिए बस इतना जानिए फियर ऑफ डार्क होना ही होना चाहिए, क्योंकि आपके जब स्टेज में आएगा तो इसी स्टेज में आएगा पेशेंट। फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ घोस्ट, ब्लैक डॉग्स, वाटर, इन सब का डर रहता है, इसलिए लाइट डिजायर होता है। और ये सारी चीजों की वजह से लाइट डिजायर के साथ साथ कंपनी डिजायर होता है, कंपनी टू फैमिलियल पर्सन, कोई भी नहीं, फैमिली वाले लोग, ऐसे लोग जिनको वो जानता है, जिन पे वो भरोसा कर सके, ट्रस्ट कर सके कि अगर मुझे कुछ होगा तो मुझे बचा लेंगे। इसलिए जब भी ओपीडी में या क्लिनिक में एस्ट्रामोनियम का पेशेंट आता है तो जल्दी वो एकदम से इंटर नहीं करता है, वो मम्मी के साथ ही आएगा, ठीक है, उसको डर बना रहता है, ठीक है। तो फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ घोस्ट, फियर ऑफ ब्लैक डॉग्स एंड वाटर, लाइट डिजायर, कंपनी डिजायर, ये मिलनी चाहिए। एस्ट्रामोनियम के बच्चों को नाइटमेयर्स होते हैं, जो रात में ड्रीम्स आते हैं वो काफी खतरनाक वाले आते हैं, यही भूत के सपने देखेगा, स्पेक्टर्स देखेगा, आत्माएं भटक रही हैं, या डॉग्स वगैरह के सपने देखेगा, ये खतरनाक खतरनाक सपने देखेंगे, खास करके यही भूत वगैरह के।
तो जैसे जब लोग सोते हैं, जब सपना देखते हैं, सपने में डरते हैं, तो वो नींद जब जैसे ही खुल जाती है, तो आपको पता होगा कि जैसे नींद खुलती है जो भी सपना देखते हैं वो गायब हो जाता है। लेकिन एस्ट्रामोनियम के साथ क्या होता है कि उसका बच्चा उस नींद के खुलने के बाद भी उस सपनों के ख्यालों में ही रहता है। जैसे सपना देख रहा है कि भूत दौड़ा रहे हैं, या भूत दिख रहा है, या कुत्ते दौड़ा रहे हैं उसे, तो एकदम से अचानक से उठेगा, और उठने के बाद ये नहीं कि कुछ देर तक, हो सकता है 30-35 सेकंड तक या 1 मिनट तक उन्हीं सपनों में वो रहेगा। उसको लगेगा अभी भी दौड़ा रहे हैं। और रूबरिक है ना, क्लिंगिंग चाइल्ड अवेक टेरिफाइड नोन नो वन स्क्रीम क्लेम्स द अराउंड, उसके आसपास कोई भी रहेगा तुरंत पकड़ लेगा और अजीब अगर ऐसे करके एकदम से ऐसा लगेगा उसे क्या ही हो गया, घर वाले डर जाएंगे क्या हो गया। डॉक्टर विथोलकस बताते हैं ऑलमोस्ट एवरी नाइट हर रात जो है उसको नाइटमेयर होते हैं, नाइटमेयर के अटैक पड़ते हैं। इसमें बोरेक्स वगैरह भी अलग अलग रीजन है, लेकिन एस्ट्रामोनियम का जो रीजन है वो भूत वगैरह के सपने देखने से है। और ऑलमोस्ट एवरी नाइट जब जब वो सोएगा कुछ इस तरह के खतरनाक सपने देखेगा, और एकदम से उठ के चौंक के एकदम से जो भी उसके आसपास होगा ठीक है उसको पकड़ लेगा वो। अब यहां से जो है ये जो क्लिंगिंग वाला नेचर जो आया उसमें, अब इसमें कोई भी रहे, पहचान का हो ना पहचान का हो, कोई भी है ठीक है, कोई भी हो उसके जो है वो तुरंत पकड़ के रोने लगेगा घर वाले। डॉक्टर विथोलकस बताते हैं क्या कि यहीं से बच्चों की इपिलेप्सी की शुरुआत हो जाती है। बच्चा इतना डर जाता है कि धीरे धीरे वो इपिलेप्सी के अटैक आने लगते हैं, कन्वल्जन्स होने लगते हैं बच्चों में। तो जगने के बाद भी बच्चा कंफ्यूज रहता है, उसको लगता है अभी भी मुझे जो है वो चीजें होती हैं ठीक है। तो नाइटमेयर्स जो है काफी खतरनाक इसको आते हैं, और एकदम बच्चा दौड़ता है, अरे जगता है तो एकदम से अजीबो गरीब बिहेव करने लगता है, ऐसा लगेगा क्या हो गया अभी जान चली जाएगी इसकी ठीक है। तो हम ये बताने जा रहे थे जो ये उठ के किसी का सहारा ले लेता है थोड़ा सा भी, अगर आप मेटाफोरिक मीनिंग देखोगे लाइट डिजायर का, जो कि आप एक तो डायरेक्ट जान रहे हो लाइट डिजायर मतलब लाइट रोशनी, एक लाइट डिजायर का मतलब होता है कि मतलब एक हो गया ना कि एक आशा दिख रही है, एक होता ना मेटाफोरिक मीनिंग निकाओ कि लाइट डिजायर आपके पास आया, डॉक्टर साहब आप मुझे थोड़ा सा विश्वास दिला दीजिए मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो वो आप जैसे हर जगह से दिखा चुका, जैसे मैं लाइट डिजायर रूब्रिक के बारे में बता रहा हूँ, अभी एस्ट्रामोनियम से मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ, जैसे कि लाइट डिजायर का एक रूब्रिक तब हम लोग उठाते, जैसे पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब आप बस अब मुझे थोड़ा सा आराम मिल गया, मुझे भरोसा हो गया, या फिर कई जगह पे उसने ट्रीटमेंट करा लिया है, अब आपके पास आया है बोला डॉक्टर साहब मुझे कहीं आराम नहीं मिला, अगर मुझे थोड़ा भी आराम मिल गया या फिर मुझे उम्मीद लग रहा है कि आप मुझे थोड़ा बहुत तो आराम दिलाई देंगे, मतलब वो लाइट डिजायर में है, वो एक रोशनी की तलाश में वो आया है आपके पास कि साहब मुझे थोड़ा सा तो आराम दिलाइए मैं आपके यहाँ रुक जाऊंगा। तो अगर थोड़ा सा भी विश्वास कर लेगा वो ठीक है तो टिक के दवाई का रहेगा। वही हाल एस्ट्रामोनियम रूब्रिक पड़े तो इसका भी मीनिंग लगभग बच्चा लाइट डिजायर, उसके आसपास कोई रहे फैमिली वाला पर्सन तो उसको एक तरह से विश्वास हो जाता है कि हाँ कोई है मेरे पास, अगर कुछ मुझे होगा तो लोग बचा लेंगे। तो एक तो जो मेन मीनिंग है लाइट डिजायर का एस्ट्रामोनियम के लिए वो तो वही है कि बल्ब जलता रहे वो ठीक है, लेकिन दूसरा अगर मेटाफोरिक मीनिंग भी लगा रहे हैं अगर इसका, तब भी अगर बच्चा अकेले नहीं सोता है, फिर वो बच्चा रात में उठता है मम्मी के कमरे में जाके सोता है, 6 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, 9 साल 10 साल का बच्चा मम्मी के पास सो रहा है, और एवरी नाइट एकदम उठेगा और एकदम से वो करने लगेगा ठीक है। तो ये बच्चा जो चूंकि बहुत ज्यादा भूत प्रेत के भावनाओं में डिलीरियम में डिल्यूजन में जी रहा है, उसने ऐसा चीज बना लिया कि उसको लगता है हर एक चीज है, अंधेरे में पैनिक अटैक आ रहे हैं है ना, और काफी ज्यादा वायलेंस हो जाता है बच्चा ठीक है। अब ये धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, सपोज करिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, अब ये बच्चा बड़ा होगा समझदारी आएगी, 15-16 साल 18 साल 20 साल 30 साल के बच्चा होगा जब ये आदमी बनेगा, तो इसको समाज में लोग कहेंगे अरे तुम भूत से डर रहे हो, कुछ नहीं है, मान लीजिए नहीं ट्रीटमेंट चला ठीक है चलता क्या, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है होश समझ में आ रहा है,
या फिर मान लीजिए थोड़ा सा बच्चा 9-10 साल का हो रहा, थोड़ी सी उसे चीजें समझ में आ रही हैं अभी सब, तो चूंकि ये चीजें तो उसके कोर में है, ब्लैक डॉग्स, घोस्ट, एनिमल्स, है ना, ये चीजें निकलेगी नहीं क्योंकि वो होम्योपैथ के पास मिला नहीं कि उसे एस्ट्रामोनियम दिया जाए, घर वाले ट्रीटमेंट कराए नहीं, ओल्ड स्कूल से ट्रीटमेंट कराए, तो ये चीजें उसके अंदर रहेगी। तो अब इस चीज के लिए लाइट डिजायर चाहिए इसको कि कहीं ना कोई कोई ना कोई साथ रहे कि मुझे इस खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकाले, अगर अंधेरा हो जाए तो, यानी भूत वगैरह मुझे दिखने लगे तो। हर वक्त हर पल तो कोई रहेगा नहीं, तो कोई रहेगा नहीं तो ये धीरे धीरे आध्यात्मिक चीजों की तरफ चला जाएगा, रिलीजियस होने लगता है, ये भगवान के तरफ चला जाएगा, उसको लगेगा कोई नहीं है, भगवान मुझे बचा लेंगे। तभी आप एस्ट्रामोनियम में पड़े होगे, बाबा बन जाते हैं लोग खुद, वो अपनी हाइडिंग को, अपने जो क्या कहते हैं फियरफुल नाइटमेयर्स या जो भी चीजें हैं उसको हटाने के लिए, उसको छिपाने के लिए ना, वो कहेगा हम भगवान हैं, वो कहेगा मेरा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, कहेगा अरे मैं भगवान से बात करता हूँ, ये सब है वाकई में, ऐसे पेशेंट मिलते हैं, मुझे मिले हैं। फिर उनकी जब गोता लगाओगे फैमिली वाले, अरे बहुत डरपोक इंसान था ये, अब चूंकि इसको रिलीजियस हो जाएगा, कहेगा मैं भगवान हूँ, मैं हूँ, मेरे सामने भूत आएगा, अरे मैं खुद भगवान हूँ, बजरंग बली हूँ, ये वो दुनिया भर की चीजें। लेकिन ये चीज दिखावे के लिए कर रहा है ना रिलीजियस वाली मैनिया, रिलीजियस मैनिया दिखावे के लिए कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसको भूत ना चाप दे। अभूत हर वक्त नहीं चापेगा, कभी कभी चापेगा, कभी कभी इसको ऐसे थॉट्स आएंगे, तो जब थॉट्स नहीं आएंगे तो ये हो सकता है कि खतरनाक मतलब गंदी चीजों में भी जा सकता है ना। तो रिलीजियस मैनिया कभी कभी एब्यूजिव वगैरह चीजों में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि मतलब कि पूजा पाठ की तरफ चला जाता है, पूजा पाठ में क्यों जाता है, क्योंकि वो जो है ये सब चीजों से डरने के वजह से, उस चीज को डरे ना इसलिए वो भगवान का सहारा लेता है, इमेजिनरी चीजें दिखाई देती है, चिल्लाने लगता है, ये सब ठीक है, तो इसलिए जो है वो रिलीजियस हो जाता है। जितने बड़े लोगों में जो एस्ट्रामोनियम मिलता है वो इस स्टेज में मिलता है। अच्छा पूजा पाठ करते रहे, सहमत कहिए, जब तक 2 घंटा जो है मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ूंगा तब तक तो मैं ना रात में सोऊंगा ना सुबह उठूंगा। अच्छा क्यों ऐसा, कुछ नहीं मैं भक्ति में हूँ बहुत ज्यादा। घर वाले से पूछो, अरे नहीं पहले बहुत डरता उड़ता था। इस स्टेज में मैं एस्ट्रामोनियम कई बार दिया हूँ, बच्चे तो नहीं मिले हैं इस स्टेज में, लेकिन बड़े लोगों में एस्ट्रामोनियम मैं इस स्टेज में दिया हूँ। कभी कभी लोग कहते हैं कि मेरे भगवान से एक ये सिम्टम मिल गया है, कि कभी कभी कहते हैं हमने पूछा एस्ट्रामोनियम लगता है थोड़ा सा, तो मैं कन्फर्म करने के लिए पूछता, अच्छा बताइए ऐसा लगता है कि भगवान से डायरेक्ट आपका कनेक्शन है? हाँ हाँ है, वेरेट्रम वाला भी वही हाल है, हाँ है कनेक्शन है, हम भगवान से बातें करते हैं, बातें नहीं करते हो तुम, अब वो हो चुके हो, ठीक है। तो कुछ दिखाई देता है, घोष दिखाई देता है, लगातार बोलता रहता है बच्चा, फिर धीरे धीरे रिलीजियस हो जाता है। तो ये जो कहानी जो शुरू हुई है कि अंधेरे से डर, लाइट डिजायर, नाइटमेयर ऑलमोस्ट एवरी नाइट, हर एक रात में जो है उसको अटैक पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये फियरफुल धीरे धीरे इन सब चीजों से बचने के लिए धीरे धीरे क्या हो जाता है, रिलीजियस हो जाता है। अब जब रिलीजियस हो जाएगा तो तुम्हें पता ना कि रिलीजियस चीजों में आपको लोकेसिटी होना जरूरी है, आप बोलेंगे नहीं तो फिर आपके पास लोग नहीं आएंगे, तो ये लोकेसिटी हो जाएगा, पूजा पाठ करेगा, फिर हो सकता है कि अगले पल जब वो मैनिया वाला अटैक खत्म होगा फिर गाली देने लगता है, लगातार बोलता है, मतलब कुछ ना कुछ लोकेसिटी में आप देखोगे ना, एस्ट्रामोनियम टॉप ग्रेड में, लेकेसिस के दर्जे में रखा गया एस्ट्रामोनियम को। लेकिन ये इसकी जो लोकेसिटी है, अभी मैं बताया मैं भगवान दिखते एक बार बजरंगबली आए थे, उसके बाद से मैं उनके साथ पता है कहाँ गया था, अच्छा अगले पल भगवान की बातें कर रहा था, उसके बाद से फिर अगले पल क्या करेगा, गंदी गंदी बातें करने लगेगा, किसी हीरोइन की बात करने लगेगा, कुछ भी करने लगेगा। तो ये सारी चीजें जो है एस्ट्रामोनियम में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा जब इस स्टेज में आता है, जब उसको लगता है कि वाकई में आप लाइट डिजायर है, आप ऐसे डॉक्टर हैं जो हमें इन सब चीजों से निकाल सकते हैं, वाकई में रियलिटी हो जानता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, पागलक वाली हरकतें, या नहीं भी जानता है, अगर मान लीजिए अगर वो ठीक होना चाहता है तो वो अपनी हर एक चीज बता देता है डॉक्टर से,
डिजायर टू बी नेकेड में इसीलिए पड़ी है। डिजायर टू बी नेकेड का मतलब नहीं कपड़ा खोल के फेंक दिया, डिजायर टू बी नेकेड का मतलब है कि सब कुछ बता देता है, और खास करके तब जब वो टेरिफाइड वाले स्टेज में होता है। हो सकता है बच्चा ये सब कुछ बता दे, तो मुझे ये चीजें हो रही, मुझे भगवान दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, वो भूत दिख रहा है, चुड़ैल दिख रही है ना। तो इसलिए डिजायर टू बी नेकेड में ये चाहता है कि हमारी सब चीजें डॉक्टर जान जाए, ये लोग जान जाए और मुझे सपोर्ट करें, मुझे ठीक करें, मुझे ये भूत जो आ रहे हैं मेरे सामने इसको हटाएं, ठीक है। तो प्रेइंग मैनिया, गंदी मैनिया, लोकेसिटी मैनिया और ये सब जो है चीजें हैं। इसकी जो स्ट्रेमनिंग होती है ये तो हो गया मेंटल, जहां आप मेंटल प्लेन में, इस मेंटल पे आप जो है किसी भी डिजीज में आप स्ट्रेमोनियम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साइनिंग ऑब्जेक्ट भी नहीं पसंद है, मैंने कई दफा क्लिनिकल में इसको कंफर्म किया है, साइनिंग ऑब्जेक्ट्स नहीं पसंद है। जैसे पानी से पानी पे लाइट मारो या फिर पानी से चमक रही हो, ये सब लाइटें इसे नहीं पसंद है। लाइट पसंद है लेकिन साइनिंग ऑब्जेक्ट नहीं पसंद है, इसको ऊपर ही लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो ये तो हो गया कि मेंटल की लाइट डिजायर, कंपनी डिजायर ऑफ फैमिलियल पर्सन, फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ गोस्ट, वाटर, है ना, ब्लैक डॉग्स लगता है भी खा जाएगा, काट लेगा, फिर उसके वजह से नाइटमेयर से ड्रीम आने लगते हैं, भूत प्रेत के सपने आने लगते हैं, है ना। उसके बाद से अचानक से उठेगा, जो भी उसके पास होगा उसको पकड़ के चिल्लाने लगेगा, अजीबो गरीब उठेगा, सब हो सकता है एपिलेप्सी का अटैक भी आ जाए बच्चे को। फिर धीरे धीरे वो क्या होगा, उस फियर को हटाने के लिए वो रिलीजियस हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल के अलावा ऐसे प्रिस्क्राइब, मैंने कभी नहीं देखा है काम करते हुए, इसके स्टेमरिंग में बहुत ज्यादा देते हैं, बहुत ज्यादा मतलब अब्यूज होता है स्ट्रामोनियम की। लेकिन इसकी स्टेमरिंग एग्रेसिव है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मत मतलब स्टेमरिंग का पेशेंट आया एक दो वर्ड नहीं बोल पा रहा है तो आप पकड़ा दिए, इसकी स्टेमरिंग एग्रेसिव है। एग्रेसिव का मतलब हो गया ये बोलना चाह रहा है, लोकेसिटी है, कुछ भी समझ में, स्टेमरिंग मतलब कुछ भी नहीं समझ पा रहा, वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या बोलना पा रहा है, मतलब बिल्कुल वर्ड की सिंथेसिस हो रही है, बोल रही है लेकिन टंग से निकल नहीं रही है, उस चीजें सही हो नहीं रही है। तो उस कंडीशन में स्टेमरिंग में, मैंने तो इसमें रिजल्ट नहीं देखा है, अगर ऊपर मेंटल नहीं मिलते तो। अगर स्टेमरिंग में कुछ काम किया तो बाद में आपको एंटीसोरिक मेडिसिन देनी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा, नहीं फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है। हिप ज्वाइंट में अगर एब्सेस हो रहा हो, मैं आप थेरेपेटिकली बता रहा हूँ, जो है डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप, एक ही दो जगह पे है, एक तो स्ट्रेमरिंग में आप यूज कर सकते हैं लेकिन वो भी एग्रेसिव वाला हो, मतलब बहुत ज्यादा हो। बाकी हिप ज्वाइंट में अगर किसी को एब्सेस हो रहा हो, है ना, हिप ज्वाइंट में एब्सेस होता है और उसमें दर्द हो रहा हो तो इस कंडीशन में हम लोग सोच सकते हैं। अच्छा, कहीं पर भी ऐसा लगता है जस्ट लाइक टू ओपियम की चीजें, यहाँ पेन होनी चाहिए लेकिन पेन नहीं हो रहा है, पेनलेस, जहां पेन होना चाहिए, जैसे जहां दर्द होना चाहिए, जैसे लग रहा है कि सोर थ्रोट हुआ है, बहुत पेन होना चाहिए लेकिन पेन नहीं हो रहा है, है ना, या फिर कोई एब्सेस से लग रहा है कि पेन होना चाहिए, दर्द होना चाहिए ओपियम की तरह लेकिन पेन नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग स्ट्रामोनियम को सोचते हैं। इसका भी मेंटल से है कनेक्शन, पेनलेस चीजों में, मतलब पेन वाले जगहों पे पेन नहीं होता, इसके पीछे रीजन है, मैं भूल गया, कोई मेरी मदद, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सोच सकते हैं। ऐसे बच्चे जो पहले कभी डर गए थे वो हो सकता है स्ट्रामोनियम बन जाए, ओल्ड फ्राइड कभी भयंकर वाले, तो स्ट्रामोनियम के पेशेंटों की चीफ कंप्लेन यही हो सकती है, नाइटमेयर्स, साहब रात में उठता है अचानक से चिल्लाता है। हायोसाइमस तो बिल्कुल अच्छे से आप क्लियर कट आप अलग कर ले जाओगे, क्योंकि हायोसाइमस में बिल्कुल गंदा वो डिल्यूजन है, डिलीरियम है उसे, हायोसाइमस बेलाडोना स्ट्रामोनियम में हायोसाइमस एक अलग ग्रेड की है, सस्पिशियस जेलसी नेकेड वन टू भी नेकेड वगैरह होना, वो सब चीजें आपको बता दिया। थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर सकते हो कि बेलाडोना है कि स्ट्रामोनियम है कि नहीं, बेलाडोना में भी फियर है, सारी चीजें कल बताई थी मैम ने भी और ऐसे भी, ठीक है, बेलाडोना में भी फियर है, इसमें भी एंगर है, ठीक है, इसमें भी एंगर है, ऐसा नहीं ये सारी चीजें जब आता है कभी कभी ये भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन इसमें एंगर +3 मानिए, इसमें एंगर +2 मानिए,
है ना। लेकिन इसमें जो है एंजाइटी जो है ना, दोनों की एंजाइटी अलग अलग है। एक मेजर पॉइंट में बस एक पॉइंट बता रहा हूं दोनों को डिफरेंस करने के लिए, बहुत आसानी से, बहुत आपको कहानी नहीं बेलाडोना और एस्टामोनियम में कि कैसे डिफरेंशिएट करें। एक चीज की एंजाइटी से आप इसको अलग कर लीजिए। हमने बताया एंजाइटी इन डार्क, एंजाइटी घोस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें चलिए ठीक है, मान लीजिए घोस्ट वगैरह का बेलाडोना में भी है। लेकिन आपको हमने बताया था बेलाडोना को अप्रोच करता है कोई तो डर जाता है, चिल्लाने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई उसके पास जाए और छूने की कोशिश करे। कल बताया था मैंने, नहीं नहीं मुझे मत छूना, फोड़ा हुआ छू के देखना, छूइएगा नहीं डर से, मत बस की सब कुछ करिए। अप्रोच से भी अगर मेंटली मैनिया भी हो रहा है, अगर गुस्से के वक्त भी कोई अगर अप्रोच कर देगा तो मैंने बताया था उठा के मार देगा वो। अप्रोच से डर लगता है, उसके तरफ कोई ना जाए, कोई जाएगा तो ट्राई टू एस्केप, वो भागने की कोशिश करेगा। ये हमने बताया था आपको, बेलाडोना अगर मैनिया के अटैक में है और उसके आसपास जाके उसके मैनिया को शांत करोगे तो हो सकता है वो भाग जाए या फिर मार दे सामने वाले को, इतना ज्यादा एग्रेसिव, इतना ज्यादा इम्पल्सिव होता है। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट है एस्ट्रामोनियम, क्योंकि एस्ट्रामोनियम का जो डिलीरियम वाले स्टेज में आता है तो चाहता कोई रहे, उसको कन्वर्सेशन चाहिए, अरे बाबू कुछ नहीं हुआ, अरे हम है ना, देखो तुम्हारी मम्मी तो है, कंपनी डिजायर चाहिए इसको, मम्मी तो है, आ जाओ मेरे गोदी में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, देखो क्या हुआ, कोई था क्या। दूसरी चीज कि एस्ट्रामोनियम में, मतलब अगर हम, अब हम उतना नहीं जाना चाहते क्योंकि आप उतना पूछ नहीं पाओगे, एक तो ये हो गया कि उसको जो है कंपनी चाहिए, एकदम करीब वाला, एकदम क्लिंगिंग कर लो, अगर वो, अगर वो उस मैनिया के अटैक में तो एकदम चिपकना चाहेगा, चिपक जाएगा एकदम से, क्योंकि उसको डर है। बेलाडोना में ऐसा नहीं है, बेलाडोना में चिपकने जाओगे मार देगा, सर फट जाएगा, ठीक है। बस एक चीज मैं बताने जा रहा था, क्या ही बताएं, जैसे कन्वर्सेशन में एस्ट्रामोनियम को भी मतलब बेकार लगता है। कन्वर्सेशन अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जैसे तीन लोग हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो एस्ट्रामोनियम को चिढ़न होगी कि तुम लोग बातें मत करो, चुप रहो। लेकिन आपस में बात कर रहे हो तीनों तो कोई बात नहीं। खैर ये सब छोड़ो, ये बस इतना चीजें याद रखियो कि अगर एक क्वेश्चन मान लो कि अगर नाइटमेयर्स में आ रहे हैं तो नाइटमेयर्स में आपके पास नाइट्रम्योर बोरेक्स वगैरह हैं। एक्चुअली सबका अलग अलग नाइटमेयर्स है ना, रूब्रिक है, इसमें तीन ही चार दवाइयां हैं। एस्ट्रामोनियम का नाइटमेयर्स भूत वगैरह वाला है। जैसे नाइट्रम्योर के बच्चे को अगर नाइटमेयर्स हो रहे हैं तो जैसे कि वो सपना देखेगा मेरे घर में डाकू आ गए, चोर आ गए, घर की चोरी हो रही है, इसको मार रहे हैं, सब चोरी हो रही है, अचानक से उठ के पकड़ लेगा, या फिर नाइटमेयर्स उठ के पूरे घर को जो है, मतलब लेडीज को नाइटमेयर्स, ज्यादातर बड़े लोगों को नाइटमेयर्स होते हैं, फिर पूरे घर को टार्च मार के देखेगा सब कुछ ठीक है कि नहीं है, उठ के जाएगा। बोरेक्स वगैरह में शायद है, बोरेक्स में डाउनवर्ड्स ऐसा लगता है वो कहीं से गिर रहा है, अचानक से उठेगा, अरे बाप रे मैं गिर तो नहीं रहा हूँ। तो सबका अपना अपना नाइटमेयर्स है, ठीक है, लेकिन इसका नाइटमेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो एवरी नाइट्स, डॉक्टर विथोल्कस लिखते हैं एवरी नाइट्स, हर रात को ये अटैक आता है और धीरे धीरे ये एपिलेप्सी की तरफ बच्चे को लेके चला जाएगा। तो इसलिए भी हो सकता है कि नाइटमेयर्स ही चीफ कंप्लेन हो, इसलिए इस मेडिसिन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। तो किस तरह से एक डर जो है बच्चे को नाइटमेयर्स में कन्वर्ट करते हुए वो डर धीरे धीरे रिलीजियस की तरफ चला जाता है। बड़ों में अगर इस स्टेज में आ रहा है तो आप हिस्ट्री पूछ सकते हैं, क्योंकि बड़े तो रिलीजियस वाले स्टेज में ही मिलेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि 40 साल का आदमी जो आ रहा है आपके सामने और जो है बिस्तर से कूद के जो है वो हो रहा है, वो बाबा वाले स्टेज में मिलेगा, मेरे भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। तो वेरेट्रम वगैरह भी हैं, इसके बाद मैं वेरेट्रम पढ़ा दूंगा, ठीक है।